కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవత్త వృంద బోల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 బోల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి 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 బోల్ హమ్లో గురు వైష్ణవ కి అనుగత్య మే శ్రీ ధామ్ బ్రజమండల పరికమా కర్తే కర్తే అభి జహా పర ఆయే హే యే స్థాన కా నామ హే బన్సీబట్ యే జో బన్సీబట్ అభి అభి హమ్ లోగ ఆయే భాండరీబట్ సే యే బన్సీబట్ ఆయే యే బన్సీబట్ యే భాండరీబట్ కే అంతర్గత యే బన్సీబట్ హే కతే యే జో బన్సీబట్ యే ఏక స్థాన మే బన్సీబట్ నహీ యే బన్సీబట్ బహు సారే స్థాన మే हम लोग जो वृंदावन में रहते हैं वहां पर भी एक बंसीवट है, हैं? इसलिए ब्रज में अलग अलग स्थान में अलग अलग बंसीवट है। यदि इसी बंसीवट में कभी कभी कृष्ण यहाँ आकर के, जब कृष्ण आते थे गैया को चराने के लिए आते थे, कृष्ण कहता थे नवलख धेनु न लाख गैया, और श्री वृषभानंद महाराज के उनको भी 11 लाख गैया है, और भी सखा सबके सब ब्रजवासी थे उनको पास में भी बहुत सारी गैया थे, इसलिए यहीं पर आते थे। ये गोचारण स्थली है, इसलिए यहीं पर यहाँ गैया को यहीं पर छोड़ देते थे, गैया यहीं पर घास खाते थे। अभी आप लोगों ने श्रवण किया बंसीवट में कृष्ण कैसे, हाँ, भांडरीवट में कृष्ण कैसे उसको नीचे बैठते हुए कलरा करते थे और गैया को वहीं पर छोड़ देते थे, फिर यहीं पर गैया को एकत्रित करते हुए फिर यहीं से वापस जाते थे। इसलिए जैसे हम लोग माला जप करते हैं, कृष्ण भी माला जप करते हैं। हम कौन सा माला जप करते हैं? हम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, लेकिन कृष्ण को पास में भी एक माला थी, उसमें भी 108 मोती हैं। कहते हैं कृष्ण का जो गैया 108 ग्रुप के गैया थी, इसलिए कृष्ण एक एक मोती में मिला मिला करके देखते थे ये मोती के गैया की जो ग्रुप आ गए कि नहीं, ये मोती की ग्रुप गैया कोई आ गए कि नहीं। अगर कोई नहीं आए ना, फिर कृष्ण अपना बंसी से धवली श्यामली कृष्णा एक तालंदी बोल करके फिर कृष्ण गैया को कृष्ण बुलाया करते थे, हैं? और गैया का नाम लेते ही गैया पूछ खड़ करते हुए भागते हुए यहीं पर आते थे। इसलिए कभी कभी बनवार जी बोलते थे, बोले कृष्ण अगर किसी गैया का नाम लेकर के बुलाए ना, अब पास में और कोई गैया अगर उसका नाम अगर नहीं दिया वो गैया मान कर लेता था, बोले कृष्ण उनका नाम लेकर बुलाया और कृष्ण मेरे नाम को बुलाया नहीं, वो गैया मान कर लेती थी। फिर कृष्ण क्या करते थे, फिर वो गैया का नाम को लेकर के फिर वो बुलाए करते थे, फिर वो खुश होकर पूछ को खड़े करते हुए यहीं पर आते थे। कृष्ण कभी कभी यहाँ पर आकर के यहीं पर कृष्ण कभी कभी रास भी कृष्ण यहीं पर किए है, इसलिए जिसको बताए जगौ कलौ बाम दृशा मनहरा, जहाँ पर कृष्ण जहाँ पर क्लीन शब्द को उच्चारण करते थे, लेकिन वो क्लीन शब्द ऐसे के शब्द है जिसमें का मतलब कृष्ण, ला मतलब राधा रानी, ई मतलब मिलन, चंद्र बिंदु मतलब उनका अंदर में जो दिव्य आनंद है। लेकिन कृष्ण तो क्लीन शब्द को उच्चारण करते थे, लेकिन राधा रानी सुनती थी जैसे बंसी से केवल राधे 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 सब निकल रहा है, हाँ? इसलिए ललिता सुनती थी बंसी से केवल ललिता 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 शब्द आ रहा है। विशाखा सुनती थी खपे बंसी से केवल विशाखा विशाखा ही शब्द जिससे आ रहा है। सबके सब सखियां सुनती थी जैसे कृष्णा हमारे ही नाम को लेकर कृष्णा यहाँ पर पुकार रहे हैं, इसलिए यहीं पर कृष्ण आकर के जिसको कहते हैं भगवान अपि तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंत मनश्चक्र योग मायां उपाश्रित, इसलिए यहीं पर कृष्ण आकर के बंसी बजा करते थे जहाँ पर बेली चमेली
जुई और एक साथ में ग्रीष्मा बरसा शरद हेमंत सीतु बसंत जहाँ पर सारे ऋतु कृष्ण सेवा के लिए एक साथ में सारे ऋतु प्रकट हो जाते थे और यहीं पर जुई बेली चमेली केतकी मालती तरह तरह का फूल से सब एक साथ में ऑक्सीजन का फूल भी जहाँ पर खिल करके कृष्ण सेवा के लिए जहाँ पर सबके सब प्रस्तुत होते थे। इसलिए जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आए है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिस समय कृष्ण ब्रज छोड़ करके कृष्ण गए मथुरा में, सखा लोगों ने कहा कन्हैया तू कब आओगे, कृष्ण ने कहा चिंता मत करो मैं आज जा रहा हूँ, कल कंसों को बंद करके मैं परसों आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में एक गांव का नाम है श्री परसु। लेकिन कृष्ण तक गए लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। और जो श्रीदाम भैया था है? जो श्रीदाम भैया उसने पूछा कृष्ण कब आओगे, बोले परसों आ जाऊंगा, बोले तेरे बगैर हाँ तेरे बगैर ये लीला में हाँ तेरे बगैर हमको खेलने में गैया चलाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जब तू नहीं आओगे ना तब तो हम वापस नहीं जाएंगे। इसलिए श्रीदाम भैया ने यहीं पर श्रीदाम भैया यहीं पर बैठे हुए थे, कृष्ण आएगा तो फिर इसको साथ में हम वापस जाएंगे। लेकिन कृष्ण गए थे गए लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए है? जब कृष्ण वापस नहीं आए श्रीमान महाप्रभु जब आए देखा उनका दाम वसुधा मधुमंगल तो कृष्ण अर्जुन लवन ये सारे सखा आए, क्योंकि श्रीमान महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहवतरी, वो अपना धाम परिक्रम को लेकर के यहाँ पर आते हैं। उन्होंने देखा भैया सब के सखा तो आए हैं, हाँ उनको विशेष कर आठ सखाए हैं जैसे उनका आठ सखी, लेकिन सात सखा तो आए लेकिन एक सखा भी श्रीदाम भैया नहीं आए। चलो भैया श्रीदाम भैया कहाँ पर गए, श्रीदाम भैया कहाँ पर गए। जब श्रीमान नित्यानंद प्रभु यहीं पर आए हैं, जब महाप्रभु देखा श्रीदाम भैया यहीं पर बैठ करके कन्हैया आएगा तो फिर हम उसको साथ में हम वापस चल गए, तब भी से लेकर के द्वापर युग से लेकर के कली युग तक यहीं पर बैठे हुए ध्यान लगा करके, क्योंकि उनको जो ध्यान है वो हमारा जैसे ध्यान नहीं एक मिनट भी नहीं लगे, वो जो उनका ध्यान लगता है कृष्ण भक्ति में पूरा पता नहीं कितने कितने कल्प बीत जाती हैं। फिर यहीं पर श्रीदाम भैया मिले, फिर श्रीदाम भैया को यहीं से लेकर के फिर उनको श्री नवद्वीप में जाते हैं और भांडेरवट में महाराज ने अच्छी अच्छी बहुत बहुत लीला बताए। गुरुदेव और भी एक लीला बताया करते थे, बोले हर समय ये जो जटिला जो कुटिला है वो हर समय इनका नाम ही जटिला और कुटिला है। जटिला मतलब क्या, जट बगाना, कुटिला मतलब क्या, फुटफुट करना, कुटिला मतलब होता है फुटफुट देखना। इसलिए हर समय ये राधा रानी को पीछे ये हर समय लगे रहते थे, हर समय लगे रहते थे। कारण है ये जोग माया ने ये सब सृष्टि की, बोले कारण क्या, बोले कारण है अगर राधा कृष्ण का मिलन अगर आसानी से हो जाएगी फिर तो उनका जो मिलन में वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए ये जोग माया जान बुझ करके ये जटिला बुटिला को उनको पीछे नियुक्त करके रखे। इसलिए एक समय कृष्ण बस हाथ में राधा रानी यहीं पर मिल रहे थे तो इतने में किसने जाकर एक जटिला कुटिला को शिकायत कर दिया, बोले तू तो सोचती हो तेरी बहू जाती है दूध दही बेचने के लिए नहीं, जाकर के देखो वो कृष्ण के साथ में वहां पर लीला कर रहा है। इतने में जटिला कुटिला ने सारे जितने जाबट के जितने लोग थे बोले तुम लोग मानते नहीं राधा रानी कृष्ण के साथ में मिलती, चलो मेरे साथ में आज हम राधा रानी को हम मजा चखाएंगे। वो कृष्ण के साथ में बहाना बनाकर जाकर मिलती है, पूरा गांव समेत जटला बुटला बुला कर ले आए। इतने में राधा रानी का जो तोता था वो सारी खबर देने वाले इतने में आ करके बोल दिए जटिला जटिला कुटिला कुटिला आ रहे हैं सावधान। इतने में राधा रानी बोली श्याम सुंदर अभी बताओ मैं अभी क्या करूंगी, अभी मैं क्या करूंगी अभी बताओ। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो तुम मेरी पूजा करते रहना, तुम तो पूजा करोगे मेरे को लेकिन जब जटिला कुटिला आएगी ना उनका जो गृह जो देवी है इष्ट देवी है देवी दुर्गा है काली है, तुम तो पूजा करोगे मेरे को लेकिन वो देखेंगे हमने काली को अब तुम काली पूजा कर रहे हो। इतने में सारे ब्रज सारे जावट जावट वासियों को
उन्होंने ले करके जावट है, जावट वासियों को लेकर के आए। जब आए सारे देखा जटिला राधा रानी तो कृष्ण पूजा कर रही हैं, लेकिन वो सबके सब देख रहे हैं ये पूजा कर रहे हैं काली को। इतने में जितने लोगों को लाए थे ना, बोले बदमाश तुम्हारी बहू इतनी अच्छी, तुम्हारी कुल देवी को ये पूजा करती है और तुम झूठ मूठ कर, तुम्हारी बहू इतनी अच्छी और तुम दोष लगाती हो। सब के सब जटिला कुटिला गाली देने लगे। इसलिए यहाँ पर ये सब लीला यहाँ पर ठाकुर ने की। हाँ, ये पास में यहाँ श्याम तलैया भी, यहाँ पर पास में श्याम तलैया, यहाँ आस पास में तो भगवान की बहुत सारी लीला हुई। यहीं पर उन्होंने प्रलंबासुर को भी वध किया, यहीं पर उन्होंने बत्सासुर को भी, यहीं पर उन्होंने बत्सासुर को भी वध किया, यहीं पर कंस का चार उन्होंने बछड़ा का रूप धारण करके आ गया था। और जब उसने कृष्ण को पकड़ने गए, इतने में कृष्ण उसका टांग पकड़ करके घुमा घुमा करके जो केंत बेल होता है उसको ऊपर मारे, मारते ही एक साथ में दो काम हो गया, एक में तो राक्षस समर्थ गया और दूसरे रूप में केंत बेल बहुत सुंदर सुंदर धबा जब गिरा तो सखा लोग खाने गए। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे भगवान की लीला हुई। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बंसी बैठे है यहाँ पर गुरुदेव आकर के, क्योंकि ये लीला स्थल यहीं पर गुरुदेव हाँ यहाँ धूलि को पूरे गड़ागड़ी जाते थे, मतलब एकदम साष्टांग प्रणाम करते थे, क्योंकि यहाँ का धूल अपराकृत दिव्य यहाँ का धूल है। यहाँ का धूल अगर शरीर में लगे एक दिन राधा रानी की प्रेम कृष्ण प्रेम हमारी हृदय में प्रकट होगा। बोले बादशाह कल कृपा सिद्ध भाई बच्चा पावने को वैष्णव को नमो नमो।